us back to life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बहुत सारी गलतियाँ हैं जो इंसान को पीछे धकेल देती हैं। ये वो गलतियाँ हैं जो एक अच्छे खासे इंसान के रिजल्ट्स को एवरेज कर देती हैं। ये वो गलतियाँ हैं जो अच्छे खासे इंसान को कामयाब होने से रोक देती हैं। ये वो गलतियाँ हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। और आप में पोटेंशियल होने के बावजूद आप एक मीडियोकर लाइफ जीते हैं और लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो ये गलतियाँ कर रहे हैं। जाने अनजाने में ये गलतियाँ होती रहती हैं। अपने 15 साल के कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने देखा है नाकामयाब लोगों की ये मिस्टेक्स। जितनों के साथ भी आता ये बातचीत करी, जितने भी नाकाम लोगों के साथ मैंने डिस्कशन करा, तो मुझे यही गलतियाँ उन सभी में कॉमन मिली। नंबर 1 इज यू कैन नॉट बिल्ड योरसेल्फ बाय क्रशिंग अदर्स। आप किसी की गर्दन काट के ऊपर नहीं जा सकते या किसी के ऊपर पैर रख के ऊपर नहीं जा सकते। यू कैन नॉट बिल्ड योरसेल्फ बाय क्रशिंग अदर्स। डू नॉट बिल्ड योरसेल्फ बाय क्रशिंग अदर्स। इस गलती से पाई हुई संपदा बहुत जल्द लुप्त हो जाती है और नीचे आ जाता है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप कामयाब भी हो जाएं, बट वो बहुत जल्द लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। सेकंड नंबर इज उन बातों के लिए चिंता करना जो बदल ही नहीं सकती, जो आपके नज़रिए के हिसाब से ठीक है और दूसरे के नज़रिए के हिसाब से गलत है, या आप सोच रहे हैं कि दूसरा ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, तो वो सेकंड गलती है। चीज़ें कभी बदल ही नहीं सकती, जैसे लाइक आपकी हाइट अगर छोटी है तो वो कभी बदल ही नहीं सकती, या आप ज़्यादा लंबे हैं तो कभी वो भी कभी बदल नहीं सकता। तो कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं, जो जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। तो उनको चेंज करने की कोशिश करना एक गलती है, क्योंकि रोज़ उसी के साथ जीना है, रोज़ उसी के साथ चलना है। अगर सोचते रहेंगे तो रोज़ मरते रहेंगे। आपको कुछ भी ऐसा पसंद नहीं है जो बदल नहीं सकता, आप तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा है वैसा रहने दीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी काम आएगा, हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपके काम आए या आपके किसी भी मोड़ पे मुलाकात हो जाए। ऊपर वाले ने कोई प्लान आपके लिए रखा है, हो सकता है कि अच्छे के लिए कोई प्लान हो और वो अभी आपको कहाँ नज़र आएगा कि क्या प्लान है। टेक एवरीथिंग ऑन पॉजिटिव नोट। जस्ट बिकॉज वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो दूसरा भी नहीं कर सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और ये धारणा रखने की मैं नहीं कर सकता, वो दूसरा भी नहीं कर पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा कर पा सकता है या कर पाएगा। नंबर 4 इज मेजरिंग माइनर इश्यूज। छोटे मोटे इश्यूज़ को बड़ा चढ़ा के बताना या बात का बतंगड़ बनाना, इट्स अनदर मिस्टेक जो कि एक अनसक्सेसफुल पर्सन के साथ घटती है। लीव इट, जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। 5th इज नेगलेक्टिंग सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप पे वक्त देना और अपनी ग्रूमिंग करना, अपने आप को संवारना, अपने आप को उस लेवल तक पहुँचाना, ये चीज़ करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है और अपने आप को डेवलप करना है, उस लेवल तक पहुंचाना है ताकि फेलियर ना आपको देखना पड़े। अगर आप खुद पे काम करने को नेगलेक्ट करेंगे और अपना काम नेगलेक्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली फेलियर को एक्सपीरियंस करेंगे। वो ये बहुत महंगा पड़ेगा अगर आप अपने आप को नेगलेक्ट करेंगे। फोर्सिंग अदर व्हाट वी बिलीव टू डू। जो हम बिलीव करते हैं वही दूसरों के ऊपर थोप देना।
मिस्टेक ही है। आपको ऐसा लगता है इट डजंट मीन्स कि दुनिया ऐसी हो गई, तो जो आपकी सोच है उसको दूसरों पे थोप देना वो एक मिस्टेक है, और इस मिस्टेक को करना इन एवरी कॉर्पोरेट लाइफ वी सी दिस टाइप ऑफ मिस्टेक कि बॉस ही सोचता है कि जो मैं करता हूँ वैसा ही दूसरा भी करे, हो सकता है दूसरे का कोई और स्टाइल हो काम करने का। ये ज़रूरी नहीं है कि सब आपकी तरह सोचे और आपकी ही तरह आगे इम्प्लीमेंट करे। यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके, हर एक की सोच अलग है, हर एक अपनी तरह से सोच के इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं ये सोचता हूँ तो अगले वाला भी यही सोचना शुरू कर दे, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है और यही सबसे बड़ा फेलियर है। एंड सेवंथ इज टेकिंग फॉल्स क्रेडिट, काम कोई करे और वाहवाही कोई और लुटाए। अगर काम किसी और ने किया है और आप बोले कि मैंने कर दिया और उसका क्रेडिट आप लेना चाहें या ले लें, तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। नेवर इन योर लाइफ टेक फॉल्स क्रेडिट। सेकंड लास्ट इज अवॉइडिंग एंड इग्नोरिंग योर ड्यूटीज। हम कहते हैं कि सभी अपने हक याद रखते हैं और जिम्मेवारियाँ भूल जाते हैं, तो अगर हक याद रहते हैं तो जिम्मेवारियाँ भी पूरी करनी उनका फर्ज बनता है, तो अगर जिम्मेवारियाँ पूरी करेंगे तो हक ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द ब्लंडर्स जो कि कॉर्पोरेट लाइफ में होता है। लास्ट इज फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म जो है, क्या पता छोटा सा कोई आपका एम्प्लॉई या छोटी सी कोई फुलझड़ी एक दिन एक बम बन जाए। तो नेवर फेवर एनीबॉडी, हर एक को ट्रीट एक जैसा। अपने ऑफिस में करें, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में करें, तो किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें अपनी ज़िंदगी में। कोई भी बड़े बड़े परिणाम ला सकता है, कोई भी बड़े बड़े रिजल्ट्स ला सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। कोई आपको लग रहा है वीक है और वही वीक बंदा कभी टॉपर हो सकता है, तो नेवर एस्टिमेट एनीबॉडी। अपनी टीम में सभी को एक बराबर समझे, फेवर ना करें। फेवर करने के बाद क्या पता जो आपका सबसे वीकेस्ट बंदा हो सकता है वो बड़े से बड़े रिजल्ट लाए। हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई कम पढ़ा लिखा हो, कम उम्र हो, तो वही आने वाले टाइम में आपको वो बड़ा मतलब सीईओ बन सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ कोई बड़ा काम कर सकता है। तो इट वॉज रिगार्डिंग नाइन मिस्टेक्स विच एवरी फेलियर पर्सन, फेल्ड पर्सन जो कमिट करता है और इन चीज़ों पे ध्यान दें।